हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और नई फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि क्या आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, आप जो दुआएं करते हैं क्या वो कबूल होंगी। मेरे एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक उनका कमेंट था और उन्होंने बार बार इस चीज़ के लिए बोला है, तो चेक करेंगे कि क्या आपकी डिज़ायर्स, क्या आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ऑल दो मेरे जितने व्यूवर्स हैं, अगर आपके माइंड में कोई विश है और उसकी रिकग्निशन चाहते हैं आप, तो अपने माइंड में सोचिए, उसको लेके आप फिर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक पे बायो में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी। एंजल ऑफ लव नंबर 49, डोर टू रोमांस नंबर 33, डिसीट नंबर 25, नंबर 12 द टेंपल पाथ, नंबर 4 हैप्पी फैमिली, नंबर 22 इंग एंग यंग। ओके जी, सबसे पहली चीज़ कि आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी या नहीं होंगी, पहले ही अटेम्प्ट में इट्स अ यस। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, रीडिंग स्टार्ट ही आपकी प्रोटेक्शन से हो रही है। ऐसे मामलों में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे मामलों में डिवाइन आपको सपोर्ट करता है, जहाँ से आपका वहमो गुमान भी नहीं होता। ऑल दो आप अपनी लाइफ में आने वाली एक्सपेंशंस को खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, यानी कि अच्छी भली पॉजिटिव चीज़ों के अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढ लेना। तो जब आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो वहीं पे आप लोगों की लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। बट द टेम्पल पाथ दुआओं का इस तरीके से करना कि जहाँ पे अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि एक ये रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, और उसकी सराउंडिंग में देखें ब्राइटनेस, इनलाइटमेंट, गार्डनिंग, तमाम चीज़ें, यानी कि आपकी कोई जो भी विश है, आपकी कोई भी दुआ है, वो रद्द नहीं हो रही, ठीक है। अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी फॉर्म में आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर भेजते हैं आपको, जैसे कि लाइफ के अंदर पीस आ जाना, लाइफ के अंदर ग्रोथ आ जाना, लाइफ के अंदर सक्सेस आ जाना। तो हमारे लिए जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई होती हैं, समटाइम हमारा फोकस उसकी तरफ नहीं जा पाता। अगरचे अगर आपके पास खाने के लिए फूड मौजूद है, मेडिसिन के पैसे मौजूद हैं, और आप एक गिवर एनर्जी में, ठीक है, आप हेल्पिंग हैंड्स में से हैं, तो इट्स मीन के डिवाइन और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कहा जा सकता है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। उन लोगों से पूछें जिनके पास खाना खाएंगे तो दवाइयों के पैसे नहीं होते, दवाइयां खाएंगे तो खाने के पैसे नहीं होते। तो डिवाइन आपको मल्टीपल चीज़ों के थ्रू साइंस प्रोवाइड करती है, रिकग्निशन प्रोवाइड करती है कि आप ने अगर किसी भी मामले में सब्र किया है तो वो रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि इंग एंग यंग का कार्ड बता रहा है बैलेंस कर देना सिचुएशन को, कि कहीं आप अपने पाथवे से हटते भी हैं, कहीं आप ट्रैक से हटते भी हैं, तो डिवाइन आपके मामलात को सेटल डाउन कर देता है। डोर टू रोमांस का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि अपने लाइफ के अंदर जो आपको खुशियाँ आनी हैं उस पे ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें। डिसीट का कार्ड बताता है यहाँ पर कि नेगेटिविटी को अगर आप अपने माइंड से निकाल देंगे, जितनी जल्दी आप नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालते हैं, उतनी जल्दी आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलूँगी इसको टैरो से क्लैरिफाई करने, एंजल ऑफ लव का कार्ड यहाँ पर क्यों है।
एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ओके. डोर टू रोमांस, टेन ऑफ पेंटिकल्स. डिसीट, टेन ऑफ वॉन्ट्स. द टेम्पल पाथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स. हैप्पी फैमिली, नाइट ऑफ कप्स. इंग एंग यंग, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. समटाइम ऐसा होता है कि हम अक्सर अपनी दुआओं में किसी के लिए बद्दुआ कर रहे होते हैं, ठीक है. जस्ट सपोज कि वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये चीज़ कभी भी मत किया करें, ठीक है. अल्लाह ताला कहते हैं जो दोगे वो, जो बोगे वो ही काटोगे, ठीक है. अगर आप अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, अगर आप बुरा कुछ बोगे तो बुरा काटोगे. तो हमें किसी भी बंदे के लिए या बंदी के लिए हमें कभी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, ठीक है. आप अपनी साइड से अपने अमल को अच्छा रखें, सामने वाला खुद ही गिल्ट की एनर्जी में चला जाएगा, बर्डनसम सिचुएशन का शिकार हो जाएगा. नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अपनी लाइफ को किसी ऐसे पर्सन से अटैच कर देना कि अगर ये खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर ये उदास है तो मैं उदास हूँ, जबकि अल्लाह ताला ने आपको इतने सारे रिश्ते दिए हैं. टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हैप्पी फैमिली का बताता है कि आप, अल्लाह ताला कहता है महरम रिश्तों को ज़्यादा प्रोवाइड करें, ठीक है. और टेन ऑफ वॉन्स, जो शख्स, जो भी शख्स, या भले वो मेल है या फीमेल है, अगर आपको कहीं पे डिसेप्शन देके गया है, देके गई है, कहीं पे चिटिंग बिट्रे करके गया है या गई है, तो वो अपने ही लोगों के हाथों, टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड बताता है अपनों के हाथों धोखा खाना, कि वो इंसान ऐसी ऐसी जगहों से धोखा खाएगा कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ पर पर्दा नहीं रखते, वो लोगों की सच्चाई, लोगों की हकीकत सामने ले आते हैं, ठीक है. कोई कितना भी कोशिश करे, बट आपकी दुआओं से या आपके सब्र से वो भाग नहीं सकता. सेवन ऑफ सोर्ड्स यानी कि आने वाले वक्त में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ चिटिंग की है, बिट्रे किया है, तो वो अपने मकाफाते अमल से भाग नहीं पा रहा. यानी कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक एनर्जी किस तरीके से इस इंसान का पीछा कर रही है, और वो लिटरली वो आगे नहीं देख रहा कि आगे रास्ता किस तरीके से जा रहा है, बस उसको भागना है. इट्स मीन कि जब दुआओं की कबूलियत का वक्त है, जब अल्लाह ताला रस्सी को खींचते हैं, तो वो इंसान कहीं नहीं भाग सकता. हैप्पी फैमिली, कि आप अपनी लाइफ के अंदर मगन हो चुके हैं, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सॉरी, अपॉलोजी, कोई रिकॉग्निशन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है. इंग एंग यंग, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. जो चीज़ें, जो मामलात, अगर वो चीज़ें आपके सामने नहीं भी आएँ, तो वो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रही है, कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बना सकते हैं कि आपको तमाम चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाए, कि बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ द सिचुएशन चला क्या है, कि किसी के साथ क्या हुआ, किसी ने अपना किस तरीके से कर्मा फेस किया, या आपकी दुआएं, आपकी डिज़ायर्स किस तरफ जा रही हैं, ठीक है. तो अभी तक तो थी यहाँ की रीडिंग, अब हम देखते हैं थोड़ी सी आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस, के क्या आप इन दुआओं के कबूल होने से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की क्या एनर्जीज हैं. नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स. अपना गोल सेट करें कि माफ़ करें, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है. अपनी बातों से कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें, ठीक है. जो मैंने वही बात कही थी, जिसने जो बोया है वो वही काटेगा. आपका किया हुआ आपके लाइफ में ज़रूर पलट के आता है. अगर आपने अच्छा दिया है, आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहे हो, तो इसी तरीके से रहेंगे. फ्यूचर एनर्जीज में यहाँ पे भी यही आ रहा है कि अपने आप को हाई पेडिस्टल पे नहीं लेके जाएं. अगर कोई सॉरी, अपॉलोजी आपकी, आपसे एक्सपेक्ट करता है और आपसे कम्युनिकेट करता है, तो उसको सॉरी, उसकी सॉरी एक्सेप्ट करें, फॉरगिव करें, और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड बाय.